आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद वो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, चाहे वो सीएए का कानून हो या कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा वहां करनी हो, भाइयों बहनों तीन तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे फैसले हैं जिन्हें हम नहीं पूरी दुनिया पूरा भारत सदियों तक याद रखेगा। मेरा मानना है ऐसे ऐतिहासिक फैसले कोई ले सकता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज उन्होंने हमारे यहाँ आकर हम सबको गौरवान्वित किया। भाइयों बहनों, और आपका जो उत्तराखंड से लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं जिस प्रकार से हम सब लोग उनको हृदय से प्रेम करते हैं उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमेशा उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड के लिए अगर पिछले 10 वर्षों में मैं बात करूं तो 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई हैं, अनेकों अनेक काम स्वीकृत हुए हैं जिन योजनाओं के बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं हमको मिली है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से आज आगे बढ़ रहा है, आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हम तेजी से रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थ एवं तुष्टिकरण के कारण ठंडे वस्तुओं में डालने का काम किया था। भाइयों बहनों, विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस ने जनता को वर्षों तक केवल और केवल यहाँ लूटने का काम किया है, अपने समय में कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल कारनामे किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहाँ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच चुका है, वहीं कांग्रेस